नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं आपको करंट अफेयर्स के दो टॉपिक पढ़ाने जा रही हूं जो आगामी दिनों में होने वाले कंपटीशन एग्जाम्स के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। एक है आपका अटल सुरंग और दूसरा है आपका अटल भूजल योजना। आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी का तो नाम सुना ही था, जो पिछले साल जो है इस दुनिया से चले गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी जिन जो भारत के प्रधानमंत्री के पद पर भी रहे और विदेशों में हिंदी में भाषण देने वाले जो प्रधानमंत्री थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी का नाम याद रखने के लिए जो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे में जिस सुरंग का निर्माण किया गया उस सुरंग का नाम रखा अटल सुरंग। और इस अटल सुरंग को अटल बिहारी वाजपेयी की 95वीं जयंती जो कि 25 दिसंबर 2019 को आई, इस दिन अटल सुरंग का उद्घाटन हुआ। देखो विद्यार्थियों, अटल जो सुरंग थी उसका शुभारंभ अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में 2000 में ही हो गया था, लेकिन आपको ये पता 2002 में इस अटल सुरंग का जो है वो शुभारंभ किया गया, लेकिन आगामी इतने सालों तक इस सुरंग का निर्माण कार्य कई सालों से रुका हुआ था। पिछले प्रधानमंत्री के काल में नरेंद्र मोदी ने जब इस क्षेत्र का दौरा किया तो उन्होंने अटल सुरंग का जो निर्माण कार्य था वापस से प्रारंभ करवाया और जो 40% कार्य जो शेष रह गया था उसको पूरा करवाया और अटल सुरंग बन करके तैयार हुई। और इस अटल सुरंग का शुभारंभ 25 दिसंबर 2019 को करवाया गया। तो आपको ध्यान होना चाहिए, अटल सुरंग 25 दिसंबर 2019 में जो है इसका क्या हुआ, उद्घाटन किया गया। और ये जो अटल सुरंग है वो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के नीचे इस हाईवे का निर्माण किया गया है। रणनीतिक महत्व का भूमिगत मार्ग है और इस भूमिगत मार्ग में वाहनों की रफ्तार भी काफी तेज गति से निकलती है और इसकी लंबाई है 8.8 किलोमीटर। इसकी लंबाई है किसकी, अटल सुरंग की। इसके अलावा इस अटल सुरंग की ऊंचाई 3000 मीटर है और दुनिया की सबसे लंबी सुरंग मानी जाएगी। कौन सी सुरंग, अटल सुरंग अब तक की दुनिया की सबसे लंबी सुरंग के नाम से जानी जाएगी। दुनिया में किसी कोई भी सुरंग जो है इतनी लंबी नहीं है जितनी की कौन सी है, अटल सुरंग है, जिसकी लंबाई कितनी है 8.8 किलोमीटर है। मनाली व लेह के बीच में जो 46 किलोमीटर की दूरी थी वो अब कम हो जाएगी, 5 घंटे का रास्ता जो है वो कम हो गया है। किस सुरंग के कारण, अटल सुरंग के कारण। और इसको बनाने में 3200 करोड़ रुपए की लागत आई है, 3200 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं अटल सुरंग को बनाने में। जम्मू कश्मीर के रास्तों में सामग्री व जनशक्ति को तेज आवागमन सुविधा प्रदान करने में इस सुरंग का महत्वपूर्ण रोल रहा है। तो आपने देखा अटल सुरंग जिसका शुभारंभ 25 दिसंबर 2019 को हुई, सबसे पहले इस सुरंग को बनाने का निर्णय सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिया था और इसकी आधारशिला 2002 में रखी गई। पिछले कार्यकाल के दौरान नरेंद्र मोदी ने जब इस क्षेत्र का दौरा किया तो इसके निर्माण कार्य को तेज कर दिया और ये बनकर के तैयार हुई और उसके बाद इसका शुभारंभ किया 25 दिसंबर 2019 को। इस सुरंग को बनने के बाद में जम्मू कश्मीर वाला जो इलाका है वहां पर आवागमन सुविधा तेज होगी, जन शक्ति की को आवागमन सुविधा जो है इस सुरंग के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। तो ये है आपकी अटल सुरंग। अटल बिहारी वाजपेयी की 95वीं जयंती पर इसका शुभारंभ किया गया और इसी दिन एक नई योजना जो आई वो उसका नाम है अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना क्यों आई आप सब जानते हो, पानी का स्तर धीरे 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 नीचा जाता जा रहा है, पानी के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, भूजल के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 25 दिसंबर 2019 को अटल भूजल योजना की शुरुआत की और इसमें कहा गया कि 7 ऐसे राज्य हैं जहां पर पानी की हमेशा कमी रहती है। इन 7 राज्यों में भूजल के स्तर को बढ़ाने के लिए अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और इस योजना पर 6000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो 7 राज्य कौन कौन से हैं जहां पर इस योजना को सबसे पहले प्रारंभ किया जाएगा, क्योंकि भारत की 25% जो क्षेत्र आता है इन्हीं 7 राज्यों में आता है। अगर हमने 7 राज्यों के भूजल के स्तर को बढ़ा दिया तो हम समस्त भारत के भूजल के स्तर को बढ़ा पाएंगे। तो है आपका गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ये 7 राज्य हैं जहां पर इस योजना को पहले प्रारंभ किया गया है और 2024 तक 2018-19 के सत्र से प्रारंभ होकर 2024 तक 23-24 तक जो है सभी को क्या उपलब्ध करवाया जाने की का मिशन है। भारत सरकार ने घोषणा की है कि 2024 तक सभी राज्यों को जल उपलब्ध करवाया जाएगा। जल शक्ति मिशन के तहत कहा गया है कि 2024 तक सभी को जल उपलब्ध करवाया जाएगा। इसी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा अटल भूजल योजना का शुभारंभ किया गया है और इस अटल भूजल योजना पर 6000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का प्रस्ताव है। तो ध्यान रखना है विद्यार्थियों, सभी कंपटीशन एग्जाम्स में सरकारी योजनाएं पूछी जाती है, चाहे वो आरएस का एग्जाम हो, चाहे वो रीट का, आरपीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, सभी एग्जाम्स के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है। आगे भी मैं इसी तरह से आपको योजनाएं पढ़ाती रहूंगी, तो आप इन दोनों योजनाओं को कॉपी में लिखते जाइए। जो भी मैं सरकारी योजनाएं आपको पढ़ा रही हूँ आप इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। तो आज दो योजनाओं को आपको याद रखना है, अटल सुरंग और अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना पर 6000 करोड़ रुपए खर्च और अटल सुरंग पर 3200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है। आगे हम ऐसे ही योजनाएं पढ़ते रहेंगे, इसके लिए आप नव भारती स्टडी सर्कल चैनल से जुड़े रहिए विद्यार्थियों। धन्यवाद।